तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस वीडियो में फिल्म इंडस्ट्री कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अक्षय कुमार के हाथ में अभी इसी कोरोना पेंडेमिक के अंदर भी 10 प्रोजेक्ट आ चुका है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और फावत खान अब मार्वल के प्रोजेक्ट में काम करने वाले है। हाँ जी दोस्तों, इसके बारे में भी अपडेट देंगे। एंड फाइनली KGF चैप्टर 2 लेके मेकर अभी कोई टेंशन में नहीं है, प्रशांत ने खुद एक स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहना। तो फिल्मी दुनिया की जो भी फिल्म रिलेटेड नया खबर, नया अपडेट सामने आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए आज की पहली स्टोरी फावत खान के बारे में बात करते। वेल, जब से फावत खान बॉलीवुड में एंट्री लिया था तब एक नया हाइप क्रिएट कर दिया था, उनका काफ़ी अच्छा फैन बेस भी बन चुका था। लेकिन उसके बाद बॉलीवुड पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैंड कर दिया था, जिसके वजह से वापस पाकिस्तान जाना पड़ा था इसी फावत खान को। लेकिन अब फावत खान बॉलीवुड छोड़ने के बाद हॉलीवुड में काम करने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, रिसेंट कुछ न्यूज पोर्टल से खबर सामने आ रहा है कि फावत खान मार्वल की एक प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं, और वो एक टीवी सीरीज जिसका नाम रखा है मिस मार्वल। एंड अगर आप वेबसाइट जाके मार्वल की उसी टीवी सीरीज के ऊपर नजर डालेंगे तो फावत खान की नाम भी वहाँ पे दिखाई देगा। इसी सीरीज के अंदर हसन नाम के एक कैरेक्टर प्ले करेगा। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट मार्वल की ऑफिशियल पेज या उस तरफ से नहीं आया, लेकिन फावत फैन ने थोड़ा एक्साइटेड है ये न्यूज सुनने के बाद। चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। अक्षय कुमार जिसकी हर साल में एक फिल्म की लाइन पड़ता है, इसी साल में भी है। एंड इसी कोरोना पैंडमिक के अंदर 10 प्रोजेक्ट मिल गया है उनको। हाँ जी दोस्तों, ये 10 प्रोजेक्ट वो विल वटम, अतरंगी रे, पृथ्वीराज चौहान की लव भी और भी 10 प्रोजेक्ट अक्षय कुमार को रिसेंट मिला है। एंड पिंक बिला की खबर के अनुसार अक्षय कुमार के हाथ में और भी 10 प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर ओ माई गॉड 2 का जो सिक्वल आ रहा है ओ माई गॉड 2 वो रहेगा। एंड करण जौहर के साथ 2 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, एकता कपूर के साथ 3 प्रोजेक्ट, साजिद नाडियाडवाला के साथ हाउसफुल 5 आ रहा है, और प्रोड्यूसर वासु वाघनानी के साथ भी उनका 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सच में इस कोरोना पैंडेमिक के अंदर जहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्क लेना नहीं चाह रहे और दूसरी तरफ अक्षय कुमार एक के ऊपर एक फिल्म में ज्वाइन कर रहे, सच में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। KGF चैप्टर 2 जिसका रिलीज डेट अभी तक फिक्स्ड हुआ है 13 जुलाई, लेकिन ये डेट पोस्टपोन भी हो सकता है क्योंकि इस मूवी के मेकर ने बता चुका है ऑलरेडी कि इसी मूवी OTT में नहीं रिलीज होगा। एंड अगर सही वक्त पर फिल्म रिलीज नहीं करेगा तो किसी दूसरे मूवी के साथ क्लास हो सकता है। एंड रिसेंटली प्रशांत ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बताया कि अगर KGF चैप्टर 2 को पोस्टपोन किया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड उन्होंने और भी बताया कि KGF चैप्टर 2 लेके कोई टेंशन ही नहीं ले रहे क्योंकि एक पैट्रियोटिक ड्रामा फिल्म है, जब भी थिएटर में आएगा दर्शक जरूर पसंद करेगा, जरूर देखने आएगा एंड ऑडियंस भी एक्सेप्ट कर लेगा। एंड अगर इसी मूवी पोस्टपोन हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वेल, प्रशांत ने तो बता दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अभी जो पूरी इंडिया की हालत है, कब सिनेमा हॉल ओपन होगा किसी को पता नहीं, लेट्स सी। तो दोस्तों, फिल्म दुनिया की लेटेस्ट न्यूज सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और इसे चैनल के साथ बने रहना, देखते रहना फिल्मी गाय। टेक केयर, बाय बाय।